हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप कन्वर्जन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का। इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, इसे सीखना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो पर आप बने रहिए और पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप कन्वर्जन क्या होता है। अगर आपने अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड घंटी के बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अभी सी लैंग्वेज की सीरीज चल रही है। सी लैंग्वेज में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने थर्ड पार्ट नहीं देखा तो वो थर्ड पार्ट मैं ज़रूर बोलता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है सी लैंग्वेज सीखने से पहले, वो पार्ट ज़रूर देखिएगा आप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप कन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि दो सी लैंग्वेज में डिफरेंट की एक्सप्रेशंस में मिक्सिंग कॉन्स्टेंट व वेरिएबल का यूज़ करते हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, हमें प्रोग्रामिंग में किसी डेटा टाइप वेरिएबल को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। जैसे क्यों होती है आवश्यकता, जैसे कि समझिएगा, जैसे करैक्टर से इंटीजर कन्वर्जन, जो हमारा करैक्टर है हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर कन्वर्जन कहलाता है। तो अब हम समझते हैं फ्लोट से इंटीजर कन्वर्जन, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, टाइप कन्वर्जन में आती हैं। अब हम ये करते कैसे हैं इसे हम समझेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम आते हैं नीचे। टाइप कन्वर्जन को हम टाइप कॉस्टिंग भी कहते हैं, और टाइप कन्वर्जन बेसिकली टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, तो जब किसी डेटा टाइप को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन किया जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा फंक्शन से ऑपरेटर को कन्वर्ट किया जाता है, या कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है, तो उसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। इसे हम समझेंगे इम्प्लिसिट को सबसे पहले एग्जाम्पल के, फिर हम आएंगे एक्सप्लिसिट में क्या होता है। ठीक है, तो हम इम्प्लिसिट में समझते हैं, हम ये लगाते हैं हैज इंक्लूड कोनियो डॉट लगाया, वॉइड मैन लिखा, करली प्रेस ओपन किया, यहाँ से आता है हमारा स्टार्ट होता है। तो हमने इंट ए लिखा, करेक्टर वी लिखा, इंटर एनी वन करेक्टर, हमने करेक्टर इंटर किया एंड स्कैन एप से हमने इंटर कराया, और हमने ए को असाइन कर दिया, कहाँ, ए को हमने बी में असाइन कर दिया। तो ये क्या हुआ, प्रिंट एफ परसेंट डी और वी को हमने प्रिंट कर दिया, इससे क्या हुआ हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो गया। ठीक है, और इसे आप रन करेंगे तब आपको पता चलेगा। जब किसी स्पेशल मेथड द्वारा, हम आते हैं एक्सप्लिसिट में, जब किसी स्पेशल मेथड द्वारा एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज किया जाता है तो उसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि स्पेशल मेथड, जैसे कोई स्पेशल मेथड द्वारा, अभी हम समझेंगे एग्जांपल से आपको सब समझ में आएगा। एक डेटा टाइप को क्या किया, दूसरे डेटा टाइप में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जैसे हम एक्सप्लिसिट में करते थे इम्प्लिसिट में। ठीक है, तो क्या हुआ, उसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एक्सप्लिसिट में क्या होता है, ये हमने लगाया, करली ब्रेस ओपन किया, इंटीजर ए लिखा, फ्लोट वी हमने लिखा, फोर पॉइंट वी हमने क्या लिखा, ए इंट वी। तो जो फ्लोट था वो इंट में, अब देखिएगा प्रिंट एफ से हमने प्रिंट करा दिया ए एंड गेट सी एच, इससे हम जब इसे हम रन करेंगे तब हमें एक्चुअली में रिजल्ट क्या आएगा वो पता चलेगा। तो हमें एक्सप्लिसिट भी समझ में आ जाएगा, आप इसे रन करके ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम को। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा था, थर्ड पार्ट जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सारे पार्ट देखिएगा सी लैंग्वेज का। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। घंटी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है।